दिल्ली पुलिस के द्वारा आज राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह का इस चित्रांजलि के प्रोग्राम में मंच पर विराजमान आदरणीय कैप्टन सिंह सोलंकी जी, फार्मर गवर्नर हरियाणा एंड पंजाब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राखी जी आस्थाना जी और संजय बेनवाल जी, मिस मेघमंडल संस्थान के सेक्रेटरी मिस विमलेश बिजवाल जी, श्री रवि वर्मा जो किलबनोर पॉलिसी पैलेस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है, और सागर प्रीति होड़ा जी आईपीएस स्पेशल सीपी, और श्रीमती सोनाली मान सिंह जी राज्यसभा के रिस्पेक्टेड मेंबर प्रमुख कलाकार अस, और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य पुलिस अधिकारीगण और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, सम्मानित कलाकार और एल्डर्स, मीडिया के मेरे साथी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आपको सबसे पहले मैं जो सम्मानित जो कलाकार है आप सब लोगों की ओर से, भारत के कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से हृदयपूर्वक उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। आज आप सब लोगों को मालूम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी का आज जन्मतिथि है। आज मैं हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव घाट पर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी आज अर्पित किया है। मैं मित्रों, उन्होंने 17 भाषाओं का ज्ञान था, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने विद्वान थे। उनके ऐसा जन्मतिथि पर आज हमारा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहे, उस संदर्भ में आज अलग अलग कलाकारों को सम्मानित भी कर रहे। मुझे बताया गया कि यह कार्यक्रम 29 अप्रैल को होना था, क्योंकि उस दिन राजा रवि वर्मा जी का जन्मतिथि था, मगर अलग अलग कारणों से आज इस कार्यक्रम का हम आज प्राप्त कर रहे। मैं इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अभी अभी मेरा पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजा रवि वर्मा के बारे में बताया। राजा रवि वर्मा सम्मानित समारोह में जो कलाकारों का सम्मान कर रहे, मैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, मैं इस आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में मैं हृदय से उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी जगत में ऐसा एक नाम है जिनका नाम लेते ही मन में उत्साह, श्रद्धा और आदर का भाव जागृत होता है। अपनी आर्ट्स, अपनी पेंटिंग्स, अपनी कला में भारत की महान विरासत का, भारत की महान दर्शन विरासत का दर्शन रवि वर्मा जी ने सारी समाज को, सारी दुनिया को परिचय किया है। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग
दमयंती और हंस को दर्शाते हैं, एक कमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प का भी भारत सरकार ने जारी किया है। उनके द्वारा बनाई गई माता सीता की पेंटिंग सारी विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए मैं उनको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक अपने अपने धरोहर का विरासत का पुजारी कहूंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उन्होंने भारत की विकास को और विरासत को अपने गौरव को साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, राजा रवि वर्मा जी के बारे में, विरासत के साथ साथ भारत सरकार ने उन्होंने भारत के महान कलाकारों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मान दे रहे। एक प्रमुख चित्रकार है राजा रवि वर्मा जी, राजा रवि वर्मा जी एक प्रमुख कलाकार भी है, वो दार्शनिक भी है, क्रांतिकारी भी है, धार्मिक गुरु भी है और वो एक सिख गुरु भी थे और शहीदों का भी सम्मान किया है वो उनका चित्रों के द्वारा, जिसके वो हकदार भी थे। आजाद के अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी किया है। अभी अभी श्री गुरु तेज बहादुर जी का 400 बर्थ एनिवर्सरी भी किया है, वैसा ही श्री अरविंद जी का भी, गुरु अरविंद जी का भी 150th बर्थ एनिवर्सरी भी हम ऑर्गेनाइज किया है। भगवान बिरसा मुंडा वो ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट था चलाए थे, वो भगवान के नाम पर ट्राइबल्स मानते हैं अभी भी, उनका भी अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किया है। इस प्रकार अनेक महापुरुषों का सम्मान देने के लिए और उनके महान कार्यों को बारे में भारत के नौजवानों को आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास चला रहे। इसके अलावा 2014 से लगातार भारत सरकार महापुरुषों का यादगार में अनेक स्मरण करते हुए अनेक कार्यक्रम किया है, जिसमें महात्मा गांधी जी का 150th बर्थडे एनिवर्सरी, लाला लजपत राय जी का 150th बर्थडे एनिवर्सरी, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 बर्थ एनिवर्सरी और महाराणा प्रताप जी का 475 बर्थ एनिवर्सरी का हम कार्यक्रम किया है। चित्रकला क्षेत्र में भारत सरकार की संस्था ललित अकादमी के ओर से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी अनेक कार्यक्रम अलग अलग किया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ललित अकादमी द्वारा देश भर में कई वर्कशॉप और एग्जीबिशन आयोजित हुआ है, जिसके कलाकारों के द्वारा योग और अनेक मुद्राओं की सुंदर चित्रकारी की गई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी अनेक प्रमुख चित्रकारों को लगातार ये साल में हम सम्मानित कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। जो 26 जनवरी को राजपथ में एक ओपन गैलरी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा देश भर से 500 से अधिक कलाकारों के द्वारा पेंटेड नया चित्रकारों का प्रदर्शन भी किया है। 750 के मीटर से अधिक लंबे गेंद स्क्रोल डिस्प्ले किए थे हम, इससे बहुत नए से नया चित्रकारों का पहली बार उनका कला का प्रदर्शन करने का बड़ा मंच भारत सरकार के द्वारा हम आयोजित किया है। इंजीनियरिंग आर्ट गैलरी कला और चित्रकारी को लिए वो समर्पित है वो संस्था। हमारा सरकार विप्लव भारत गैलरी और नंदलाल बोस गैलरी, आप सब लोगों को मालूम है नंदलाल बोस जी एक बहुत बड़ा चित्रकार थे, आजादी के आंदोलन में उनके चित्रों के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए आजाद के आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। हम इंजीनियरिंग आर्ट गैलरी के जो बनी है उसमें अलग एक नंदलाल बोस गैलरी का भी हम आयोजन किया है, अभी ओपन हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं। और
विजुअल आर्ट की गैलरी भी चित्रकारों के लिए उसी संस्था में समर्पित किया है। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ध्यान में रखते हुए आइकॉनिक म्यूजियम्स भी हम बना रहे हैं। जैसा आप सब लोगों को मालूम है, प्रधानमंत्री म्यूजियम जो देश में आजादी के बाद 14 प्रधानमंत्री आज तक हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जो 14 प्रधानमंत्री जी का एक भव्य प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम तीन मूर्ति भवन में हम आयोजित किया है। उनका के जीवन में उनका के जो प्रधानमंत्री के समय पे जो समस्या थी देश का हो सरकार का हो कैसा हल किया है उस म्यूजियम में हम प्रदर्शित किया है। सभी लोग वहां से आपके परिवारों के साथ उस म्यूजियम देखने के लिए खासकर युवा पीढ़ी के साथ इस म्यूजियम देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और इंडियन वार मेमोरियल म्यूजियम, जम्मू कश्मीर म्यूजियम, आर्म्स एंड आर्मर्स म्यूजियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, गौतम बुद्ध गैलरी एंड नेशनल म्यूजियम और विप्लव भारत म्यूजियम विक्टोरियल कलकत्ता में, और आने वाले दिन में जो प्रेस्टीजियस बिल्डिंग्स है जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो बिल्डिंग्स आने वाले दिन में जो सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होने के बाद नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी अच्छे म्यूजियम्स बनाने के लिए भारत सरकार ने किया है, उसके लिए तैयारी शुरू होगा। मित्रों, ये म्यूजियम्स सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है, ये म्यूजियम हमारा पीढ़ी को हमारे देश के घटनाओं पर प्रमुख चुनौतियों और समाधान कैसे मार्ग में दिया है आने वाले में उनको सीखने के लिए देखने के लिए उनके जिंदगी में ये भारत का कल्चर भारत का हिस्ट्री सीखने के लिए मदद मिलेगा। भारत अपनी आजाद की 75 वर्ष पूरा कर रही है और देश से कोने कोने के लोग बड़ा उत्साह से ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजाद का अमृत महोत्सव में हमारा विचार, हमारा भाषा, हमारा क्षेत्र, हमारा प्रांत व सरकार भेदभाव मिटाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार होना चाहिए, ये सरकार का यही विचार है। क्योंकि ये समय है, भारत का गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का समय है। ये सिर्फ भारत में नहीं कर, जितने भी भारत डायस्पोरा विदेशों में, जितने भी एम्बेसीज विदेशों में, दुनिया के हर देश में भी आजाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हम सफल पूर्वक बना रहे हैं। आजाद के बाद जो 75 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का समय है, आजाद के आंदोलन के जन जन तक पहुंचाने का जो अनेक त्याग किया है बड़ा महापुरुषों, उनके बारे में भी नवा युवा पीढ़ी को बताने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये समय है आने वाले 25 वर्ष जब भारत 100 साल का होगा आजादी का, 2047, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है। सभी लोग राजनीति से उठकर, सभी लोग प्रांत भाषा से उठकर देश 2047 में जब आजाद का 100 साल का कार्यक्रम उत्सव बनाएंगे, जब क्या होगा, रेड फोर्ट के ऊपर कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री रेड फोर्ट का झंडा लहराएगा, ये सवाल नहीं है। कौन सा पार्टी सत्ता में रहेगा, वो सवाल नहीं है। मगर एक ही सवाल है, 100 साल में जो भारत आजाद के बाद किधर तक पहुंचना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, गरीब कैसा दूर करना चाहिए, देश में अलग अलग क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए, भारत दुनिया का एक विश्व गुरु कैसा बनना चाहिए, ये सभी लोगों के सामने चैलेंज रहना चाहिए, उसको स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। और एक और भी एक विषय बताकर मेरा समाप्त करता हूं। हमारे लिए यह भी खुशी की बात है, आजाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में और इस बार भारत का G20 कंट्रीज का अध्यक्षता भारत कर रही है। जो G20 कंट्रीज बोले तो आपको मालूम है, यहाँ G20 शिखर सम्मेलन
फर्स्ट दिसंबर से इस साल से लेकर नेक्स्ट ईयर नवंबर 30 तक भारत में होगा, लगभग 200 सम्मेलन भारत में करने वाले हैं। G20 कंट्रीज मींस दुनिया का 85% ऑफ GDP कम्स फॉर दी अमंग दी दिस G20 कंट्रीज। पॉपुलेशन भी 85% ऑफ पॉपुलेशन इस G20 कंट्रीज में, इसलिए उस G20 कंट्रीज का लगातार एक साल अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग विंग्स का, अलग अलग इश्यू का ऊपर देश में G20 कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस हम प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ स्टार होटल में नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस भारत का प्राचीन विरासत स्थलों को दर्शाने वाले स्थलों पर करने का भारत सरकार ने किया। अजंता एलोरा में कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो मैसूर में दसरा उत्सव के संदर्भ में कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोयम्बतूर में ईशा फाउंडेशन के संदर्भ में जो दसरा नवरात्रि उत्सव शिवरात्रि उत्सव होता है उस समय पे करने वाले हैं। ऐसा देश में अलग अलग जो फेस्टिवल्स होगा उसको जोड़ते हुए, जो अपने विरासत है, अपने धरोहर है, उसको जोड़ते हुए ये कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय किया है, क्योंकि G20 कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे लिए प्रमुख विषय है, सबके लिए खुशी की बात है। इसका इस सम्मेलन के द्वारा भारत का संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, अपना विरासत, अपना धरोहर एक बार फिर हम दुनिया को बता सकते हैं। उस संदर्भ में जितने भी 200 से अधिक सम्मेलन होगा, उस सम्मेलनों में हम कल्चरल एक्टिविटीज भी, हमारे माता जी इधर बैठे हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदार होंगे, अच्छे कार्यक्रम हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। भाई और एक विषय आखिर में, जो 15 अगस्त 75 ईयर्स का होगा, अपने आजाद की 75 वर्ष इंडिपेंडेंस जो हर गांव में हम करने वाले हैं, इस संदर्भ में एक